आमतौर पर आदमी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोन लेता है, लेकिन जो उसकी ईएमआई होती है उसको भर पाने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। इसी पर बनी है एक फिल्म ईएमआई, जिसमें नेहा उवरैक एक अहम भूमिका में है। नेहा से ही जानते हैं कि ईएमआई में क्या है। नेहा, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ईएमआई फिल्म में की क्या कहानी है। जी, ईएमआई एक सटाया है जो प्रेजेंट लोन सिनेरियो हमारे देश में चल रहा है उस पर। तो हम यही दिखाना चाहते हैं कि लोन लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन अगर आप वापस रीपे नहीं कर पाते हैं तो नहीं लीजिएगा। फिल्म में सत्तार भाई एक अहम भूमिका है, जो कि पूरी ईएमआई का जो भी मैटर होता है, कोई भी कंट्रोवर्सी होती है या जो नहीं दे पाते हैं उसको सॉर्ट आउट करवाते हैं। तो सत्तार भाई कौन है और कैसे वो सॉर्ट आउट करते हैं? जी, सत्तार भाई का कैरेक्टर संजू सर प्ले कर रहे हैं, और आई थिंक हम पेपर में रोज पढ़ ही रहे हैं लोन शार्क्स जो लोगों के घर जा रहे हैं, रिकवरी एजेंट्स। तो सत्तार भाई का कैरेक्टर उनपे सत्तार भाई का कैरेक्टर उनकी तरह है, फिर लोन शार्क इन द मूवी। ईएमआई में काम करने के लिए कोई खास वजह? जी, स्टोरी ऐसी थी, जब मैंने स्क्रिप्ट सुना, आई लव द स्क्रिप्ट, और आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्क्रिप्ट इज के थिएटर में बैठा हर एक इंसान ऐसी पिक्चर से रिलेट करेगा। फिल्म में आप लोन ले रही हैं या लोन लेने वालों को परेशान कर रही हैं? जी नहीं, मैं फिल्म में लोन ले रही हूँ, और मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से मैं रिपे नहीं कर पाती हूँ, लेकिन इवेंचुअली और थैंक्स टू सत्तार भाई मेरी लाइफ सॉर्ट आउट कर देते हैं वो, एंड आई रिपे द लोन बैक। सत्तार भाई यानी संजय दत्त, उनके साथ काम करने का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, बहुत अच्छा रहा। संजू सर आई थिंक इज अ लेजेंड बाय हिमसेल्फ, एंड उनसे बहुत लर्न करने को मिला, वेरी सीनियर एक्टर, एंड इट वाज अ प्लेजर वर्किंग। ईएमआई के म्यूजिक भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो आपका फेवरेट ट्रैक नंबर कौन सा है? टेक अ लोन मेरा फेवरेट ट्रैक है, इट्स अ वेरी पेपी नंबर, एंड इनफैक्ट हमने शूट भी उसी गाने से चालू की थी, दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ शूट, सो आई लव दैट सॉन्ग। उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने पहले भी क्रिटिक्स को अपनी अदाकारी से बहुत ज्यादा हैरान कर दिया, एक अलग पहचान बनाई, ये हमारी से भी वैसा ही कुछ हो। थैंक यू सो मच।